Thank you.
जो आप चलिए चलिए नगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन आदरणीय डिप्टी कमिश्नर चंबा और पूरे इसका मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रैली है क्योंकि इसमें 15 प्रदेशों के 53 जो है राइडर जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें
इसका मेन मकसद ही है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो इससे मैं भी देख रहा था कि मैं पीछे तक था, वहाँ भी लोग पूछ रहे थे कि ये चंबा चलो अभियान है क्या। तो ये मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड के मैप में जो है चंबा का नाम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें आना था परंतु कोरोना महामारी की वजह से वो नहीं आ सके, और आज इसी के थ्रू इसका शिलान्यास कर रहे हैं। 11 तारीख को हमारे सेंटर मिनिस्टर किरण रिजिजू जी आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि ये पहली बार हुआ है पूरे हिंदुस्तान में जो ऑर्गेनाइज करते थे ऐसे कार रैली वगैरह, ये करते प्राइवेट कंपनी वाले, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे पहली बार जो है ये इसका किया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इनको और होगी ये अभियान। हम सभी जानते हैं कि चंबा एक आकांक्षी जिला है, और चंबा को आकांक्षी जिला से बाहर निकालने के लिए, बाकी जिलों के स्तर पर लाने के लिए मुझे लगता है हमें काफ़ी बड़े स्टेप्स लेने चाहिए। उसमें से जो टूरिज़्म प्रमोशन है, जो चंबा में एक बहुत ज़्यादा जिसका पोटेंशियल है, तो टूरिज़्म प्रमोशन पे फोकस होना चाहिए, और चलो चंबा अभियान उसी दिशा में एक कदम है। और इस अभियान का आज शुरुआत जो है रैली ऑफ चंबा से हो रही है, और उसमें लगभग 80 के करीब जो हैं मोटरिस्ट और जो हमारे कार वाले हैं वो इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये लोग जब इस जगह पे आके इस जगह में ड्राइव करेंगे, इस जगह की खूबसूरती देखेंगे, तो इसकी पिक्चर भी शेयर करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो परिवार के साथ भी आएंगे और अपने दोस्तों को भी बुलाएंगे। तो ये कार्यक्रम अभी हमारी शुरुआत है, इस तरह के आगे भी कार्यक्रम होंगे। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं, वो अभियान है चलो चंबा अभियान। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में यह हम सबका, चंबा जिला के निवासियों का बहुत ही सौभाग्य है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चलो चंबा अभियान का हिस्सा जो रैली ऑफ चंबा है उसका भी शुभारंभ करेंगे, और इस रैली में 15 राज्यों से 88 प्रतिभागी जो हैं वो मोटर कार और मोटर बाइक रैली में हिस्सा लेंगे, और ये अपने आप में अकेली माउंटेन कार एंड बाइक रैली है, जिसे फेडरेशन फॉर मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स इन इंडिया यानी FMSI के तत्वावधान में यहाँ आज शुरू किया जा रहा है। तो एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का चंबा जिला के
सभी निवासियों की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से इनका बहुत बहुत स्वागत है और इनका अभिनंदन है। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा चंबा जिला के उपायुक्त श्री डी सी राणा जी को कि वह यहाँ आए और चलो चंबा अभियान और साथ में जो रैली ऑफ चंबा है उसके क्या उद्देश्य हैं और उसका जो आयोजन है उस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय श्री पवन नैयर जी, स्थानीय विधायक चंबा विधानसभा क्षेत्र, विधायक भटियात, माननीय श्री विक्रम सिंह जरियाल जी, श्री डी एस ठाकुर, चेयरमैन मार्केटिंग बोर्ड चंबा, यहाँ उपस्थित समस्त अधिकारीगण, रैली ऑफ चंबा के सभी प्रतिभागीगण, मीडिया से जुड़े मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, और इस रैली के जो जितने भी स्पॉन्सर्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का चलो चंबा अभियान और रैली ऑफ चंबा के फ्लैग ऑफ के इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपना व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर इस अभियान का हिस्सा बने और इस कार्यक्रम की उन्होंने शोभा बढ़ाई। माननीय महोदय, जैसे हम सभी जानते हैं, चंबा जिला एक आकांक्षी जिला है और हिमाचल के 112 सबसे बैकवर्ड जिलों में शामिल है। यदि हम चंबा के विकास की बात करें तो चंबा में विकास की क्या संभावनाएं हैं, उसमें से एक संभावना जो हमें नज़र आती है वो यहाँ जल विद्युत परियोजनाओं की संभावना है। प्रदेश सरकार ने लगभग 184 जल विद्युत परियोजनाओं, जिनका लगभग 1500 मेगावाट उनका साइज है, अगर वो स्थापित होती हैं और एक मेगावाट में लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है तो लगभग 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चंबा जिला में आने वाले समय में हो सकती है और जिससे चंबा जिला का विकास होगा। सर, इसके अलावा कृषि एवं बागवानी की चंबा जिला में अपार संभावनाएं हैं और यहाँ पे यदि हाई वैल्यू कैश क्रॉप्स इंट्रोड्यूस होती हैं तो उससे भी यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके उनकी आमदनी बढ़ेगी और उनके लिए रोजगार के साधन विकसित होंगे। सर, इस संबंध में हमने इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोस्फीयर टेक्नोलॉजी के साथ एक MOU अभी मार्च महीने में साइन किया है और उसका एक विस्तृत एक्शन प्लान चंबा जिला के लिए बनाया गया है और इस इंस्टीट्यूट के साथ हम काम करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम नई हाई वैल्यू कैश क्रॉप्स चंबा में इंट्रोड्यूस कर पाएंगे जिससे आम आदमी के जीवन में सुधार होगा। सर, इसके अलावा चंबा आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ चंबा के बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट हैं, यहाँ की पेंटिंग है, चंबा का चप्पल है, चंबा रुमाल है। इसको उभारने के लिए और लोगों तक पहुँचाने के लिए भारत सरकार के सहयोग से चंबियाल प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसके साथ जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कांगड़ा है और नाबार्ड है उसके साथ मिलकर भी हम एक परियोजना हमने तैयार की है और सारे जितने भी लोग इस कला से जुड़े हैं उनको एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर करने के लिए प्रयासरत हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में इस क्षेत्र में भी चंबा में काफ़ी काम होगा और चंबा का विकास होगा। सर, सबसे एक और जो क्षेत्र है जिसमें चंबा में अपार संभावनाएं हैं वो है टूरिज्म प्रमोशन। आज अभी तक जो टूरिस्ट है चंबा में डलहौजी और खजियार में आता है लेकिन चंबा के इंटीरियर्स अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो साच पास है, पदरी ज्योत है, हमारा भरमौर क्षेत्र है, होली क्षेत्र है, तो बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन है जहां अभी टूरिस्ट नहीं पहुंचा और उस जगहों को हम उभारने का इस कैंपेन के माध्यम से प्रयास करेंगे। साथ में चंबा का जो कल्चर है, चंबा का जो क्राफ्ट है, चंबा की जो क्यूजीन है और चंबा के जो सीरियल्स हैं उन सबको इस कैंपेन के साथ सर हम जोड़ रहे हैं और इसका हिस्सा बना रहे हैं ताकि टूरिज्म के साथ साथ लोकल जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, कल्चर है, क्यूजीन है, उसको भी बढ़ावा मिले। सर, हमने सारे जितने भी ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं उनको डॉक्यूमेंट किया है, उनको उनकी पिक्चर्स और उनकी डिस्क्रिप्शन हमने कलेक्ट की है
और एक चलो चंबा ऐप हमने बनाई है जिसका शुभारंभ आप थोड़ी देर बात करेंगे, और इस ऐप के माध्यम से लोग जो हैं अलग अलग जगहों को जान पाएंगे और वहां पहुंच भी पाएंगे। इसके अलावा सर हम सोशल मीडिया कैंपेन हमने शुरू किया है काफ़ी बड़े स्तर पे, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि लोकल लोगों ने इसको अपनाया है। आज की डेट में अलग अलग जगह से गाँव से लोग अपने क्षेत्र की पिक्चर जो है उस पर शेयर कर रहे हैं और लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। सर ये और जो हम कार्यक्रम इस कार्यक्रम का हिस्सा है वो स्टैंडर्डाइज्ड साइनेजेस हम सर लगा रहे हैं जिले के अलग अलग हिस्से में। कुछ साइनेजेस का आज आपके कर कमलों से लोकार्पण किया जाएगा और वो साइनेजेस जिससे टूरिज्म प्रमोट होगा पूरे जिले में लगाई जाएंगी। सर एडवेंचर स्पोर्ट्स की चंबा में बहुत संभावनाएँ हैं और उसमें मोटर स्पोर्ट्स जिसकी रैली ऑफ चंबा के नाम से आज हम यहाँ जिसकी शुरुआत आप अभी थोड़ी देर में सर करेंगे, उसके अलावा पैराग्लाइडिंग खजियार में पैराग्लाइडिंग हो रही है, नैनीखड में पैराग्लाइडिंग हो रही है, तो आने वाले समय में खजियार में पैराग्लाइडिंग का एक कंपटीशन हम प्रपोज कर रहे हैं इसी अभियान के अंतर्गत, ताकि उस क्षेत्र को भी हम पैराग्लाइडिंग को भी जो है लोगों तक लेके जाएँ। तलेरू में वाटर स्पोर्ट्स की बहुत संभावनाएँ हैं, ऑलरेडी वहाँ पर बोटिंग हो रही है, तो हमारा सेप्टेम्बर अक्टूबर में एक इसी तरह का और इवेंट तलेरू में प्लान्ड है जिसमें ड्रैगन बोटिंग कंपटीशन हम करेंगे ताकि लोग तलेरू के बारे में जानें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस जगह पे बोटिंग का आनंद लें। हमारे पांगी भरमौर ट्राइबल एरियाज हैं और यहाँ के ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक ट्राइबल फेस्ट भी हम सर प्रपोज कर रहे हैं। तो इसके ये हमारी कुछ एक मेजर इवेंट्स होंगी सर, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग मेले त्यौहार जात्रें और यात्राएँ हैं उनमें चलो चंबा का फ्लेवर सर हम ऐड करेंगे। लोकल जो लोगों की जो क्राफ्ट्स हैं, उनकी जो क्यूजीन है, उनकी जो इतिहास है, उसको भी उसमें शामिल करने का हमारा प्रयास रहेगा। सर सर आज की जो रैली है सर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक स्टेप है चंबा में टूरिज्म प्रमोशन का, और इसका नाम सर हमने ब्राउन बियर रैली रखा है। सर जैसे हम सभी जानते हैं और मुझे लगता बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि कुगती जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है ब्राउन बियर के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं ब्राउन बियर कुगती को, ताकि लोग वहाँ आएँ और ब्राउन बियर की साइटिंग करें। और जो भी हम सर इवेंट करेंगे जैसे आज की इवेंट है तो हमने लोकल लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है, और ब्राउन बियर नाम की एक सोसाइटी चंबा में रजिस्टर हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में वो सोसाइटी इस तरह की रैली रेगुलरली ऑर्गेनाइज करेगी ताकि ये चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज हों। लगभग 80+ पार्टिसिपेंट्स सर, जो टॉप 10 जो कंटेस्टेंट्स हैं रेसर्स हैं वो भी इस रैली में आज शामिल हो रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। इस रैली को आयोजन के लिए SDM चंबा और उनकी टीम ने विशेष तौर पे जो है बहुत मेहनत की है, और इस तरह का शो चंबा में ऑर्गेनाइज करना बहुत चैलेंजिंग है और कोविड के टाइम तो और भी चैलेंजिंग है सर। ये इवेंट बहुत बड़ा हो सकता था यदि कोविड की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हम इस स्तर पर इस आयोजन को कर पाए हैं। मैं पुनः आपका सर इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और JC शर्मा सर जी का भी जो आपके साथ बैठे हैं, बत्ता सर का भी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय हिमाचल। माननीय श्री जयराम ठाकुर जी जो कि आज इस चंबा अभियान के उद्घाटन समारोह में शिमला से VC के माध्यम से उद्घाटन कर रहे हैं, मैं आपका सर चंबा वासियों की ओर से और अपनी ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरी सर आपसे धर्मशाला और शिमला में ही बात हुई थी, परंतु कोरोना महामारी की वजह से आप चंबा नहीं आ सके। आपका भी चंबा आने का बड़ा दिल था, परंतु हम आपकी मजबूरी जो है समझते हैं, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बढ़ियात के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विक्रम जिराल जी, मार्केट कमेटी के अध्यक्ष श्री DS ठाकुर जी, आदरणीय JC शर्मा जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी RN बत्ता जी, हमारे जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती नीलम जी, चंबा भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी, DC चंबा श्री दूनचंद राणा जी, ADC मुकेश रेशपाल जी, SDM शिवम प्रताप जी, AC राम प्रसाद जी, पहले सभी राइडर। सबसे पहले मैं
क्योंकि आज का दिन जो है चंबा के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज पहली बार चंबा चलो के तहत इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसका मुख्य आकर्षण कार और बाइक रैली है। ये हिंदुस्तान की पहली सबसे बड़ी रैली है, क्योंकि इसमें 15 प्रदेशों के 88 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और इसमें कई भारत के टॉप राइडर भी जो है इसमें भाग ले रहे हैं। इसका मेन मकसद जो है चंबा चलो अभियान का पर्यटन के इसको प्रमोट करना है। आदरणीय राणा जी ने आपको डिटेल से इसके बारे में बता दिया, इसके लिए मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ और ख़ासकर डीसी राणा जी को, एडीसी मोदे, एसडीएम साहब, एसी को और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ सर। इन्होंने दिन रात एक करके इसका आयोजन किया है और आपने देखा होगा सर कि आज ये हालांकि कोरोना महामारी की वजह से तो इसमें लोगों की रिस्ट्रिक्शन कर दी हमने, तो ये मीजर मेले से भी ज़्यादा इसका प्रॉब्लम होना था सर। और इससे आपने देखा पहले सर, पिछली बार मीजर नहीं हुई, मनवेश का मेला नहीं हुआ, लोग बाहर से आए नहीं, हमारे जितने भी जो थे बेचारे चंबा चप्पल बनाते, जो चंबा रुमाल बनाते थे उनकी भी कोई सहेलियों की टूरिस्ट बाहर से आए नहीं। तो इसका मेन मकसद है टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए। तो मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार पूरा इसका एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज तकरीबन 3 साल हो गए सरकार बने हुए। 3 साल क्या, क्योंकि 1 साल तो चले गया उसमें कोरोना में, सिर्फ 2 साल में चंबा विधानसभा में सर इतने काम हुए कि मेरे ख्याल पिछले 50 साल और ये अभी 2 साल, 2 साल में चंबा में सर, जब आप पहली बार चंबा आए थे तो चंबा में पार्किंग कोई नहीं थी, हमने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने उसी वक्त ये पार्किंग का अनाउंसमेंट किया। 25 करोड़ रुपये से चंबा में जो पार्किंग जो है बनने जा रही है, इसका जोर शोर से काम चला हुआ है। एक और हमने आपसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि चंबा में जैसे ही आप बाज़ार में एंटर करेंगे पूरी रेडी फ्री वाले थे वहाँ पर, 200 तकरीबन रेडी फ्री वाले थे, कभी म्यूनसिपल कमेटी वाले तंग करते, कभी पुलिस डिपार्टमेंट तंग करता, तो आपने इनके लिए 200 दुकानों का प्रावधान किया और वो भी किसी से भी 1 रुपया नहीं लेना है, जितने भी उनको फ्री दुकानें हम दे रहे हैं। ये भी हिमाचल की हिस्ट्री में ये पहली बार ये हो रहा है। उसके बाद सुल्तानपुर सीवरेज स्कीम थी, हमने आपसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि चंबा में 11 वार्ड हैं, 10 में सीवरेज थी, 1 वार्ड में सीवरेज थी नहीं, आपने उसको भी अनाउंसमेंट किया और आज सीवरेज का भी काम जो जोर शोर से लगा हुआ है। खियार रोड का आपने शिलान्यास किया 15 करोड़ रुपये का, उसका भी जोर शोर से काम चला हुआ है। खियार चंबा डबल लेन का काम सर, उसका भी हमने एस्टिमेट बन गया, उसका भी काम जो है चलेगा इसका। और भट्टी नाला में एक ब्रिज है, ये भी हमने नेशनल हाईवे में इसको डाला, ये भी कोई 25-30 करोड़ रुपये से ये भी बनने जा रहा है। एक और सड़क थी सर, रिजेरा सिंगेड़, रिजेरा भाणिया, क्रिया वैली, परोता सरा, चाला पंजो, खबर पंजो, दृढ़ा सेरूट, पूर्ण सड़क, मानकोट देवी देरा, साज फतेहपुर, सिमनी फतेहपुर, मरेडी सेलाघाट, सरोल सिरकुंड और सेलाघाट ऑयल, साउ कीड़ी, कीड़ी लगा, कीड़ी बंजल, जुमार सड़क, चील चील बंगला में सर एक सामुदायिक भवन बनने जा रहा है, 1 करोड़ रुपये से ये बनने जा रहा है सर। एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था चंबा में, उसके 20 बेड थे, हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी सर, आपने उसको 50 बेड का कर दिया। इसके साथ ही किसान भवन चंबा में बनने जा रहा है 1 करोड़ और 67 लाख रुपये का, और ब्रोर में मॉडल स्कूल के लिए आपने 50 लाख रुपये दिया, और इतनी सड़कें अभी और है, मैं न लूँगा पूरा 1 घंटा लग जाएगा सर इसमें। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे कुछ कांग्रेस भाई कह रहे हैं कि ये चंबा में काम नहीं हुए हैं, अगर चंबा में काम भी हुए तो लोकसभा इलेक्शन में 28,500 की लीड कैसे आई। चंबा में पहली बार अभी म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शन हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी की कमेटी बनी, पहली बार, आज तक कभी नहीं बनी। जिला परिषद में पहली बार जो है हमारे चेयरमैन बनी है नीलम जी, 2 हमारी चेयरमैन की सीटें थी चंबा ब्लॉक और महला, उसमें हमारे चेयरमैन थे, 4 चेयरमैन जो हमारे विधानसभा क्षेत्र से मेरे बने। इतने काम हुए इनको, इनको काम नज़र नहीं आ रहे हैं, इनको ये कि कुछ नहीं हुआ। तो मेरी आपसे सर ये निवेदन है कि हमारी चंबा में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो SP साहब हैं, चाहे DC साहब हैं, चाहे SDM साहब हैं, ADC साहब हैं, AC साहब हैं, कंजर्वेटर साहब हमारे
प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज है सर, HNP रोड लिया, HNIPH है, सारी टीम पूरी है, बहुत अच्छा सर काम कर रही है। पहली बार देखा मैंने 40 साल में, सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है सर कि इस रैली के लिए जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया इनको भी ऑनर करना चाहिए आपको, क्योंकि दिन रात इन्होंने काम किया है और ये एक ऐतिहासिक फैसला लिया सर इन्होंने, आज तक नहीं कभी हुआ सर ये। और इसके साथ ही जिस तरह से सर आप कोरोना महामारी के साथ आप काम कर रहे हैं सर, ये भी आपने जितने भी डिसीजन लिए हैं सर, ये आपकी हिम्मत है सर कि आपने ये इतने बड़े जितने बार मारे बार आदमी फंसे थे उनको 2 लाख के करीब आपने लोगों को बाहर से लाया है सर। और अंत में मैं एक बार फिर आपका इस 20वें जुड़ने पर आपका अपनी ओर से चंबा के लोगों की ओर से आपका सर धन्यवाद करता हूँ। एक सर लोगों की बड़ी भारी डिमांड थी सर, एक डेवलपमेंट ऑफ बोरी सिंह पावर हाउस एज हाइड्रो पावर म्यूजियम सर, ये एशिया का पहला पावर हाउस है सर। इसको मैं डिप्टी कमिश्नर चंबा के साथ सर राणा जी के साथ बैठा था तो इन्होंने ये इनकी सोच है कि ये एक चंबा का हेरिटेज भी है और एशिया का पहला पावर हाउस भी है और इसको टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेवलपमेंट की जा सकती है। इसको NHPC इन्होंने टेक ओवर किया है, इसका सारा NHPC इसमें खर्च भी करेगी और जितने भी बच्चे हमारे जो भी टूरिस्ट बाहर जाएगा उसके लिए भी एक पिकनिक स्पॉट बनेगा सर, तो इसकी भी आप यहाँ घोषणा कीजिए सर। और एक डेवलपमेंट हो अखंड चंडी पैलेस, इसको भी हम कल्चर और हेरिटेज सेंटर ऑफ चंबा उसमें प्रमोट कर रहे हैं सर। और एक डेवलपमेंट हो रंगमहल चंबा एज आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर, तो ये 3-4 चीज ये थी सर, इसकी आप अनाउंसमेंट करिए। और इसमें कोई फाइनेंशियल भी इम्प्लीकेशन कोई ज़्यादा नहीं है सर इसमें। और इसके साथ ही कुछ स्कूल दिए हैं सर मैंने अपग्रेड सर, वैसे तो आप इसमें अनाउंसमेंट करते नहीं पर सर ये बड़े भारी जरूरी है, क्योंकि मैं अभी 5-6 दिन पहले मैं पूरे एरिया का मैंने अभी टूर किया सर, तो लोगों की बड़ी भारी डिमांड है सर और बड़े हाइट में है सर, बच्चे जो स्कूल के 6-7 किलोमीटर नीचे जाते हैं और शाम को फिर ऊपर जाते हैं। तो मेरी आपसे ये निवेदन है सर कि इसकी भी सर आप अनाउंसमेंट की, क्योंकि पिछली बार मीजर में आप आए नहीं और वो बाकी उस वक्त अनाउंसमेंट रहेगी थी सर, तो इसलिए ये सर बड़ी भारी जरूरी है सर। तो अंत में मैं आपका फिर सर एक बार फिर आपका अपनी ओर से चंबा के लोगों की सर तब से आपका पूरा धन्यवाद करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है सर, पहले भी आपने कभी इनकार नहीं किया और इस बार भी आप हमें निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद। हम सबके साथ अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित हैं भटियाल विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री विक्रम सिंह जयाल। युवा ऊर्जामान गतिशील गरीबों के नसीहा मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, मैं पूरे जिला चंबा की तरफ से आपका इस रैली में VC के माध्यम से उपस्थित होने पर हार्दिक बधाई कर देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे बीच में आज उपस्थित नहीं हो सके क्योंकि कोरोना का COVID-19 चला हुआ है। देखो आपका प्रोग्राम 19 तारीख का चंबा का था, चलो चंबा को सफल बनाने के लिए, हम तो फिर भी हम सब चंबा वासी जो है आपका तहे दिल से जो कि गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में DC के माध्यम से उपस्थित हैं। जिला चंबा एक पिछड़ा जिला है, आपको हमारे DC राणा ने जो उपायुक्त चंबा उन्होंने बताया है, इसको अगले जिलों में लाने के लिए ये एक बहुत बड़ा हमारी पहल है जो कि चलो चंबा और जो ये रैली रखी हुई है, इसे हमारे जिले को काफी फायदा होगा। मैं ज्यादा फोकस करूंगा कि हो सकता है कि जितने आज 15 जिलों के हमारे पास बाइक रैली और कार रैली के जो राइडर्स आए हुए हैं 88 राइडर, उनका धन्यवाद करता हूं और ये मैसेज जो है ऑल ओवर इंडिया में जाएगा कि जिला चंबा भी कोई एक डिस्ट्रिक्ट है। वैसे तो जिला चंबा एक ऐतिहासिक प्रदेश है हमारा बहुत पुराना, परंतु किसी कारणों की वजह से हम पिछड़े हैं। अब आज से 50 वर्ष पहले जो जिला चंबा था और आज जो है इसमें काफी अंतर है। वैसे भी धरौजी हमारा एक पर्यटन नगरी है, यहाँ पर काफी दूर दूर से पर्यटक आते हैं
वैसे ही चंबा भी घूमने आते हैं, कभी कभी बीच में आ जाते हैं। और एक हमारा ऐतिहासिक मंदिर है बरमौर में 84 और कैलाश पर्वत, उसके लिए काफी श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ के विधायक पवन नैयर जी बता रहे थे कि पिछले दो समय से ना यहाँ पर मंदिर का मेला हो सका, ना ही मनवेश की यात्रा हो सकी। तो अब ये जो चलो चंबा आज जो ये रैली रखी हुई है, और चलो चंबा मैं जब सीएम साहब से बात कर रहा था, सर चंबा आप नौ स्पीक आ रहे हैं चलो चंबा, पूछ रहे किस लिए, मेरे बोले चलो चंबा, बोलते चल रहा किस लिए चंबा, अगर चलोगे तो पता चला कि चंबा किस लिए चल रहा है। वैसे ही जैसे डीसी साहब बता रहे थे कि यहाँ पर आज तीन इवेंट्स है, इनका भी आज यहाँ पर क्या बोलते हैं उद्घाटन उसका इनॉग्रेशन रखेंगे, जैसे कि अपने साइनेज है और कैलेंडर है, और ऐसे तीन यहाँ पर इवेंट्स है जिनका भी अब कुछ ही समय में उद्घाटन होगा। और जितने भी यहाँ पर आज यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो बाहर से आए हैं, जो राइडर्स हैं, उनका मैं अपनी तरफ से और उज्जवल चंबा की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ सबको, जो ये इतना अच्छा प्रोग्राम जो लॉन्च किया है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, चाहे डी सी साहब है, एडीसी है, AC2DC है, SG है, SP है, पूरा प्रशासन जो इस कार्यक्रम को समर्पित लाने के लिए लगा होता, उसका भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। कि COVID-19 के तहत इतना संभव नहीं था, फिर भी प्रशासन के अथक प्रयासों से ये इतनी संभवता जो है लाई गई है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा चंबा अग्रिम जिले में आए और हम सब मिलकर चंबा को गर्व करें। जैसे पहले था मैंने ऐतिहासिक चीज में एक बताना था, तो चंबा सुभाष जो है हमारा, इसमें जितने भी जिला चंबा के जितने भी अपने प्रगणा थे, सभी प्रगणों से मिट्टी आई इस सुभाष के लिए। तो ये जो चौहान है एक बहुत ऐतिहासिक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिला चंबा के लिए, लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। और धन्यवाद करता हूँ सरकार का कि जिला चंबा में मेडिकल कॉलेज और कई सुविधाएं जो है, जैसे हमारे बम्बई से बता रहे थे कि विकास की इतनी गति आई है जो पिछले 50 सालों में कांग्रेस ना कर पाई, वो इन 3 सालों में आदमी जयराम ठाकुर की सरकार ने और आदमी मोदी जी के आशीर्वाद से जो हिमाचल जिला चंबा का विकास हुआ है, उसको हम सभी लोग देख रहे हैं। जब जाते हैं सड़कों को देखो, जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिला चंबा में, जिससे हमें काफी एनर्जी जो पैदा होती है उससे काफी हमें जो है आर्थिक हमारी जो स्थिति है वो उससे स्ट्रांग होती है। और भी कई साथ रहे हमारे, जैसे अपने डीसी साहब बोल रहे थे कई चीजें बताई थी, ये चीज यहाँ पर ला रहे हैं, वो चीज ला रहे हैं, सभी चीजें आ जाएगी, तो हमारा जिला चंबा जो है अग्रिम जिले आ सकता है। फिर से मैं आदरणीय अपने यहाँ के विधायक सदर विधायक मेरे बड़े भाई पवन और मार्केट कमेटी की बोर्ड के चेयरमैन अपने DS सागर जी, DC राणा जी, AC2DC, SP, ASP, SD, और यहाँ की नगर परिषद की अध्यक्षा उपाध्यक्षा, और यहाँ पर तमाम लोग जितने भी आए उनका फिर से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। इससे पूर्व की माननीय मुख्यमंत्री जी चंबा अभियान का शुभारंभ करें, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भी अवगत करवाना चाहेंगे। आयोजन किया गया है जिसमें लोक निर्माण विभाग के अलावा अन्य विभाग और साथ ही जो चंबा जिला के पारंपरिक और पुराने व्यंजन हैं उन्हें भी इस मौके का प्रदर्शन किया गया है। तो अपने आप सब की प्रतीक्षा के पलों को समाप्त करते हुए मैं सादर निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे इस अवसर पर चलो चंबा अभियान का लोगो, मोबाइल ऐप, कैलेंडर और इसके जो पब्लिसिटी साइनेजेस हैं उनका शुभारंभ करने की कृपा करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पर मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय विधायक श्री विक्रम सिंह दयाल जी को, माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी को, चंबा जिला के जो कार्यवाहक जिला भाजपा के अध्यक्ष हैं श्री DS ठाकुर जी को,
उपायुक्त श्री डीसी राणा जी, एडीसी श्री मुकेश देवसवाल जी और एसडीएम चंबा श्री बिल्कुल शुरू करें। इस ऐप के जरिए आप चंबा चलो अभियान की तमाम गतिविधियों का कैलेंडर भी जान सकते हैं। इसके अलावा आपात स्थिति के लिए जिला आपदा प्रबंधन केंद्र का संपर्क भी इस ऐप में शामिल किया गया है। चलो चंबा जिला के निवासियों को अपने आशीर्वचनों से नवाजने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, उपस्थित पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री डीएस ठाकुर जी, मंडल के अध्यक्ष विनोद ठाकुर जी, जिला परिषद चंबा की अध्यक्षा नीलम जी और नगर परिषद चंबा की अध्यक्षा नीलम नैयर जी, ब्लॉक समिति के अध्यक्ष श्री गुरुदेव जी, डिप्टी कमिश्नर चंबा श्री डीसी राणा जी और हमारे वहां पर उपस्थित एसपी, अन्य अधिकारीगण, विभागों के, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में जहां हमारा स्वर्ण जयंती वर्ष पूर्ण राजत्व का चल रहा है स्टेटहुड का, उसमें हमने विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए हैं और चंबा जिला ने विशेष तौर से आज ये चलो चंबा अभियान एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम की शुरुआत की है। मैं आप सबको, जो हमारा नेतृत्व यहां उपस्थित है और आपके साथ साथ में डिप्टी कमिश्नर चंबा को, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये अभियान अलग तरह का है,
और इसमें बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं, उन इनिशिएटिव्स के माध्यम से आप लोगों ने वहां पर स्वर्ण जयंती वर्ष के जो बहुत सारे कार्यक्रमों के जो आयोजन किए हैं, उन कार्यक्रमों की रूपरेखा भी हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत की है, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमें इस बात का दुख है कि मैं व्यक्तिगत रूप से वहां पर उपस्थित होना चाहता था, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहता था, वो संभव नहीं हो पाया। और उसकी सबसे बड़ी वजह आप सबको मालूम है कि कोविड के चलते कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ हमने सोशल गैदरिंग्स में कुछ बातों को लेकर के कुछ निर्णय किए, और वो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बहुत लंबी विस्तार से चर्चा की है, और कोविड के यह संकट लगभग पिछले सवा साल से जो चल रहा है, इससे निपटने के लिए और भी कुछ निर्णय हमको करने को हैं। इसलिए आज हमने कैबिनेट रखी, और उन कैबिनेट इस कैबिनेट में भी बहुत सारी बातों को लेकर के चर्चा भी हुई, चर्चा के साथ साथ में बहुत सारे निर्णय भी किए। चंबा में आकर के आपके बीच में उपस्थित होता तो कुछ कार्यक्रम का आनंद और आता, ये कमी हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि बहुत जल्दी हम चंबा का कार्यक्रम अलग से बनाएंगे। हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, ये कोविड का संकट थोड़ा कम हो जाए, उसके बाद आप सबके बीच में आकर के चंबा के विकास के लिए जो चीजें की जा सकती है वो भी करेंगे, और उसके साथ साथ में आपके चंबा में आप सब लोगों से जहां लंबे समय से काफी हमारा मिलना नहीं हो पाया, मिलना भी हो पाएगा। हमारे बहुत पुराने साथी चंबा के रहने वाले दो हमारे बीच में नहीं रहे पिछले दिनों, जिसमें श्री तुलसीराम जी जो विधानसभा के अध्यक्ष और अपने पूर्व में मंत्री रहे मोहन लाल जी, हमें सचमुच में बहुत दुख है, उनकी कमी हम महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक चंबा के इस जिले का उन्होंने नेतृत्व किया, और चंबा जिला में विकास के लिए हर संभव प्रयत्न प्रयास जो किए जा सकते थे वो प्रयास भी उन्होंने हमेशा किए। आज के इस कार्यक्रम में मुझसे पहले यहां पर सभी वक्ताओं ने अपनी बात कही चंबा की। चंबा ऐतिहासिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है, यहां विकास की बहुत सारी अभी तक संभावनाएं हैं, विकास की बहुत सारी जरूरतें हैं, और इसीलिए चंबा को जहां पूरे देश भर में 112 जिले चयन किए गए, जहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है, विकास को गति देने की जरूरत है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिला के रूप में, उसमें हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जिला चंबा उसमें शामिल किया गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब मिलना होता है तो हमेशा वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला, क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत जो है आपके यहाँ के जो विकास के लिए जो चीजें करने की हैं, जो काम करने को हैं, उसके बारे में हमेशा पूछते रहते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि चंबा अपने कल्चर के लिए, अपने संस्कृति के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, और प्रसिद्ध संस्कृति के साथ साथ अपनी संस्कृति के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी यह जिला बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहां पर बहुत सुंदर स्थान है जो पर्यटकों को आकर्षित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, और ऐसे में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में चंबा के लिए और बेहतर हम क्या कर सकते हैं, उन चीजों को लेकर के काम किया जाए। आज के इस चंबा चलो अभियान के अंतर्गत मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक बहुत ही अलग तरह का इनिशिएटिव आप लोगों ने आज जो लिया, जो मोटर कार और बाइकिंग रेसिंग रैली जो यहां पर रखी गई है, स्वाभाविक रूप से यह साहसिक भी है,
और चंबा में इसको आयोजित किया गया उस दृष्टि से इसका अपना एक अलग महत्व भी है। और इस रैली का जो आयोजन जो है फेडरेशन फॉर मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स इन इंडिया के तत्वाधान में जो किया जा रहा है और जिसमें 15 राज्यों से आए प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, इसमें देश के 10 टॉप राइडर भी इसमें शामिल हैं। ये मुझे इस बात की जानकारी लेकर के बहुत प्रसन्नता है। और इस प्रतियोगिता में बताया गया है मुझे कि कार रेस में 35 जबकि मोटर बाइक में लगभग 53 जो है प्रतिभागी जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सचमुच में हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। चंबा की अपनी संस्कृति, चंबा की संस्कृति के साथ साथ अपनी पहचान के लिए बहुत सारी चीजें हमारी जानी जाती हैं। जहां से मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मेरी दाईं तरफ जो है चंबा रुमाल दीवार पर हमने हमेशा रखा होता अपने यहां कक्ष में, और जहां पर चंबा की एक पहचान जो है चंबा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर एक जो है वो जो हमारे पर्यटकों को भी आकर्षित करता है, और उस दृष्टि से चंबा की बनी हुई चीज बहुत मुश्किल से बनाई जाती है, कठिन होती है, लेकिन उसके बावजूद आज भी चंबा का रुमाल जो है वो हर जगह जाना जाता है, पहचाना जाता है, और इसकी एक अलग पहचान है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत सारे खाद हमारे जो व्यंजन है आपके वहां पर चंबा में बनाई हुई जो गुच्छी है और राजमा का मदरा, चंबा चुप, और उसके साथ साथ में चंबा के जो चप्पल होती है, इनकी एक अलग पहचान है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जिला विकास की दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन है, परिस्थितियां भी यहाँ की बहुत मुश्किल रहती है जीवन की, लेकिन फिर भी उसके बावजूद चंबा ने कभी भी आगे चलना नहीं छोड़ा। लगातार जहां आज आप लोगों ने चलो चंबा कहा, वो तो चंबा की तरफ जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन हम इस बात को भी देख रहे हैं कि चंबा हमें हमेशा जो है वो आगे संघर्ष करते हुए चलता हुआ दिखता है। ये भी हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। यहाँ के लोग जीवन में संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ उतरते हैं, और कठिन जीवन की परिस्थितियों में से गुजर करके अपने आप को विकास की राह पर अपने आप को शामिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। जहां डिप्टी कमिश्नर मोदी जी ने और भी बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, जहां पर जो हस्तशिल्प उत्पादों का जिक्र किया, और उसी तरह से यहाँ ट्रिपल सी का भी जिक्र किया, क्राफ्ट कल्चर एंड क्यूजिन, जो हमारे जो क्राफ्ट है, कल्चर है, और उसके बाद जो हमारा खान पान जो है वो एक बहुत अलग पहचान यहाँ पर देता है चंबा में। और यहाँ चंबा हिमाचल प्रदेश में जो हाइड्रो सेक्टर में जो है प्रोजेक्ट जो जितने लगे यहाँ पर एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, जहाँ हिमाचल प्रदेश 10,500 मेगावाट के लगभग पावर जनरेट करता है, उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो चंबा जिला का भी है, और उसके लिए भी मैं आप सबको जहां बधाई देता हूं। और इसके बाद बहुत सारी चीजों को देखकर के हम चंबा के संदर्भ में बात कह सकते हैं। मैं तो आज इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने जो आज का ये कार्यक्रम रखा, जो मोटर कार रैली और उसके साथ साथ में बहुत सारे और भी आयोजन यहां पर शामिल किए हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप लोगों ने यहां चंबा में विशेष तौर से आज एक लोगो और उसके बाद चलो चंबा मोबाइल ऐप, और उसके साथ साथ में मैं देख रहा था कि पीडब्ल्यूडी के जो साइनेज उसका भी यहां पर जो है एक अलग से शुरुआत की है, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आप सबके बीच में आकर के लंबी बात करूंगा जब चंबा आना होगा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहना है कि चंबा के जो इतिहास, चंबा के इतिहास के साथ साथ में चंबा के विकास के लिए सरकार की ओर से जो भी किया जा सकता है वो हम प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि चंबा आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े।
और चंबा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जब अभी माननीय विधायक हमारे बीच में अपनी बात कह रहे थे पवन नैयर जी, उन्होंने सारी बातों का जिक्र किया जो समस्याएं वहां पर बार बार रहती थी, जिन बातों को लेकर के जिक्र होते रहते थे, विशेष तौर से पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू था, और उसके बाद वो दूसरे हमारे जो गरीब लोग जो छोटा छोटा काम करते हैं उनके लिए वहां पर छोटी छोटी दुकानें बना करके देना, ये सारी मुद्दे थे। और उसके बाद सीवरेज के काम की एक बहुत बड़ी एक आवश्यकता वहां पर चंबा शहर के लिए, क्योंकि चंबा शहर भी बहुत बड़ा शहर हो गया अपने आप में, उस दृष्टि से जो चीजें करने की थी उनको करने के साथ हम आगे बढ़े हैं। लेकिन फिर भी इस बात से हम सहमत हैं कि बहुत सारी चीजें अभी तक करने को बाकी हैं, उसके लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप सब लोगों का सहयोग वहां पर हमेशा मिला है। अब की बार भी जिन बातों को लेकर के जहां पर कहा जा रहा था मैं उसमें सहमत हूं, चाहे वो जिला परिषद के चुनाव है, चाहे वो ब्लॉक समिति के चुनाव है, चाहे वो हमारे नगर परिषद के चुनाव है, सब जगह आप लोगों ने बहुत बेहतर सहयोग दिया। सरकार के साथ चलने का एक बहुत अच्छी एक टीम बना करके आप लोगों ने तैयार की है, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ऐसे पिछड़े जिले में खास तौर से जो हमारे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है वो ये चंबा का, उसमें विकास को और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार प्रदेश स्तर पर भी गंभीर है और उसके साथ केंद्र स्तर पर भी बहुत गंभीर है, उसके लिए हम हमेशा प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, मैं आज आपके बीच में उपस्थित होता तो आप सबके इस कार्यक्रम में भाग लेकर के शाम को जो चंबा के जो बहुत स्वादिष्ट जो है वो व्यंजन होते हैं उनका भी आनंद लेता, चाहे वो राजमा का मदरा है, चाहे वो गुच्छी है, चाहे वो उसके बिना कभी आप चंबा वालों ने हमको छोड़ा नहीं, जब भी आए तो ये सारी चीजें आप खिलाते हैं, तो इसलिए वो सारी चीजें अगली बार हम आपके बीच में आकर के उसका आनंद लेंगे। लेकिन यहाँ टूरिज्म को आने वाले समय में डेवलप करने के लिए जो चीजें हम कर सकते हैं, चाहे वो खान पान की दृष्टि से, चाहे वो कला शिल्प की दृष्टि से, हमारा परंपरागत जो चंबा की एक ऐतिहासिक चीजें हैं हमारी, और होम स्टे को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हम चंबा को आगे पर्यटन की दृष्टि में भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। माननीय विधायक मोदय जी ने कुछ बातों का जिक्र यहाँ पर किया है। एक तो उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट ऑफ भूरी सिंह पावर प्रोजेक्ट एज हाइड्रो पावर म्यूजियम, क्योंकि ये शायद मेकल में 1905 का सबसे पुराने जो हमारे पावर हाउस जो है हाइड्रो सेक्टर में जो शुरू हुए थे, तो उसका आपने जिक्र किया है। और मुझे जानकारी मिली है कुछ बजट प्रोविजन डेप्टी कमिश्नर महोदय जी के पास वहां पर उपलब्ध है, तो इसका जीर्णोद्धार हम निश्चित रूप से करेंगे, ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं, ताकि इसको जो है वो हम और बेहतर ढंग से लोगों को जो बाहर से आकर के उनको दिखाने के लिए एक जगह बने, ताकि पर्यटक भी आकर के इसको देखे और यहाँ के इतिहास को जान सके। और इसको जो म्यूजियम बनाने की जो बात कही गई है, इसके लिए बजट प्रोविजन करके इसको निश्चित रूप से इसको करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसी तरह से जो हमारा दूसरा जो अखंड चंडी जो है ये पैलेस जो है, ये बताया गया मुझे कि वहां पर ये भी एक कल्चरल हेरिटेज सेंटर बनाने के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो डेप्टी कमिश्नर से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि उसके लिए भी हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत बजट प्रोविजन है, उसको भी हम उस तरह से हम जो है वो हेरिटेज सेंटर बनाने की हमने जो है वो आने वाले समय में प्रयत्न करना है, प्रयास करेंगे कि ये हेरिटेज सेंटर बने, ताकि लोग भी यहाँ आकर के इसको देख सके, समझ सके, और इसका भी एक इतिहास अपना अलग से है जिसको जान सके। और इसी तरह से जो रंग महल है तो उसको आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर के रूप में जो उसको डेवलप करने के लिए जो बात कही गई है उसको भी हम सुनिश्चित करेंगे, ताकि ये भी एक जगह, क्योंकि चंबा में टूरिस्ट जो भी आता है वो दूर से आता है, दूर से आने के बाद कुछ चीज हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण उस टूरिस्ट को लगे कि मैं इतने दूर से होकर के आया हूं और मैंने प्रकृति का तो आनंद लिया, लेकिन प्रकृति के अलावा यहाँ के इतिहास को भी वो जाने, इतिहास को भी समझे,
और उस दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो रंग महल का जो हमारा वहां पर उसको आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर बनाने की जो बात कही है, इसको भी हम करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। बाकी आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत लंबी बात नहीं कहते हुए, मैं बहुत जल्दी कार्यक्रम बनाऊंगा चंबा का, और चंबा का आकर के जब आप सबके बीच में मिलना होगा तब विस्तार से लंबी बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के इस विशेष कार्यक्रम चलो चंबा अभियान में मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जो इनिशिएटिव आपने लिए यहां पर, और खासतौर से यहां पर जो मोटर कार और जो बाइक रेसिंग का एक नया आपने कार्यक्रम यहां पर रखा है, उसके लिए भी मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हिमाचल प्रदेश के हमारे पूर्ण राजत्व के जो 50 वर्ष पूरे हुए हैं, और 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद हम हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जिले में अलग अलग कार्यक्रम करेंगे, और जहां जानकारी यहां आपके यहां चंबा से हमको डिप्टी कमिश्नर डीसी राणा के माध्यम से जो मिली, जो जानकारी दे रहे थे, उन्होंने अपना अगला शेड्यूल बनाया है, बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन उन्होंने वहां पर तय किया है, और मैं मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि वो कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे चलेंगे। और उसके साथ साथ में उन कार्यक्रमों में बीच में मैं आप सबके बीच में कहां उपस्थित हो सकता हूं, कहां आ सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा आपके बीच में वहां पर आने के लिए, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और बाकी एक बार फिर से आज के चलो चंबा अभियान के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई, और आप सब स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहने के साथ साथ में कोविड के संकट में अपना ख्याल रखें, ऐसा मेरा आप सबसे भी आग्रह है। कोविड के चलते हुए बहुत सारे कार्यक्रमों में परिवर्तन करने पड़ रहे हैं, ये हम सबको सचमुच में बहुत पीड़ा का विषय हम सबके लिए है, लेकिन फिर भी ऐसे हालात में से सावधानी बरतना वही एकमात्र रास्ता है, जिसके लिए मैं आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं। इतनी बात कहते हुए, आप सबके बीच में अपनी बात कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि आप सबके दर्शन करने का चाहे वर्चुअली ही हमको मौका मिला है, लेकिन फिर भी चंबा के सभी साथियों के साथ, प्रमुख साथियों के साथ आज एक साथ दर्शन करने का भी मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। चंबा श्री मुकेश श्री पासवाल जी से कि वे यहाँ आए और धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत। हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि चलो चंबा अभियान के शुभारंभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। मैं जिला प्रशासन और रेडी ऑफ चंबा के सभी प्रतिभागियों और आयोजकों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हमें नई ऊर्जा और प्रोत्साहन की प्राप्ति हुई है। चलो चंबा अभियान के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमें सहायक होगा। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय विधायक चंबा श्री भगत नगर जी, माननीय विधायक भटियाल श्री विक्रम जरियाल जी एवं चंबा के चेयरमैन श्री डी एस राघोर जी का। साथ ही हम धन्यवाद करते हैं तमाम विभागों, प्रतिभागियों और प्रयासकों का, जिनके प्रयासों और परस्पर सहयोग से चलो चंबा रैली और रैली ऑफ चंबा का आयोजन आज सफलतापूर्वक हुआ। धन्यवाद।